नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं सैम पित्रोदा के बारे में। सैम पित्रोदा दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं और आपकी तरफ से दे दिया गया है अपने पद से इस्तीफा। दरअसल सैम पित्रोदा, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव के बीच में जब अभी 4 चरण बाकी हैं तो सैम पित्रोदा के बयान को लेकर काफी हंगामा मचा और काफी कांग्रेस की किरकिरी भी हुई। कांग्रेस को बीजेपी जो है सैम पित्रोदा के बयान को लेकर ही लगातार घेरती हुई नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री ने आज भी एक जनसभा की और इसमें भी सैम पित्रोदा और खास तौर पर शहजादा यानी कि राहुल गांधी को लेकर खूब उन्होंने निशाना साधा। हालांकि सैम पित्रोदा ने अब इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कांग्रेस में वो बने रहेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के दरअसल वो अध्यक्ष है, चेयरमैन है और इसी मसले पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। कर्नल ईशान, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी, स्वागत कर्नल ईशान साहब आपका। और ये जो बवाल बुराई बयान सामने आया है सैम पित्रोदा का, दूसरा बयान है और लगातार बीजेपी के पास, तो कह सकते हैं कि लोकसभा के बीच चुनाव में आपके पास ऐसे ऐसे शस्त्र थमा दिए जा रहे हैं कांग्रेस के लोगों के द्वारा कि आपको अपने शस्त्र निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। देखिए पुनीत जी, सैम पित्रोदा जी का एक पुराना रिकॉर्ड है, ये इस तरह के उलझुल बयान दे के कांग्रेस को हमेशा मुसीबत में डालते रहे हैं। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए राहुल गांधी जी हो चाहे बाकी गांधी परिवार हो, उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। या क्या कारण है, क्या साठगांठ है, ये कांग्रेस ही बता सकती है। आप देख लीजिए, 2018 में उन्होंने राम मंदिर के खिलाफ दिया, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, उसके बाद मिडिल क्लास के टैक्स को लेकर 2019 में बयान आ गया, फिर सिख विरोधी दंगों के बारे में उन्होंने बोला, विरासत टैक्स के बारे में बोला, अभी आज फिर उन्होंने एक बयान दिया। तो लोकसभा चुनाव के दौरान प्रथम चरण होने के बाद ये इस तरह के बयान उनके जो विरासत टैक्स को लेके आए और फिर आज उन्होंने दिया है, ये सिर्फ क्या सैम पित्रोदा की ही मानसिक स्थिति का बयान कर रहा है या कांग्रेस पार्टी सिर्फ दिखावा कर रही है बयान से अपने को अलग करने का और सैम पित्रोदा को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है इन बयानों के लिए? क्योंकि देश में रहकर जिस तरीके से बीजेपी सैम पित्रोदा का नाम लेकर और सैम पित्रोदा के बयान के सहारे कांग्रेस को घेर रही है, तो ऐसा लगता है कि ये बयान जो है फायदेमंद तो बीजेपी के लिए साबित हो रहा है। देखिए, इसमें फायदा नुकसान की बात नहीं, यहाँ राष्ट्र गौरव की बात है। एक व्यक्ति जो कि अमेरिका में बैठकर हमारे देश के बारे में इस तरह के बयान देगा तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कहीं से भी वो सही नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो चाहे अन्य कोई हो। आज का जो उनका बयान है ये एक तरह से, बल्कि पूर्ण रूप से मैं तो कहूंगा कि समाज को बांटने का है। रंग भेद की नीति की बात कर रहे हैं, गांधी जी की कांग्रेस की आज हालत क्या हो गई है ये हम सब देख रहे हैं और उस हालत में उस पार्टी का एक व्यक्ति इस तरह के बयान दे रहा है, रंग भेद वाली बातें कर रहा है जो कि बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है लेकिन कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि आप शर्मनाक और निंदनीय बता रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं सर, लेकिन दर्शक जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा हैं थे अब, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पद से इस्तीफा क्यों दिया, उनकी तरफ से दरअसल इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जो बयान सामने आया था उसको लेकर तो आपने हमने देखा ये कि कितना किरकिरी कांग्रेस की हुई। बीजेपी ने, लोकसभा चुनाव चल रहा है और लगातार सभाओं में ये तक कह दिया कि आपकी जो संपत्ति है, आप जो अपने बच्चों को देने जा रहे हैं उसके ऊपर कांग्रेस जो है वो टैक्स लगाने का काम करेगी और खौफ एक प्रकार से पैदा किया गया, बताया गया कि कांग्रेस की ऐसी सोच है। हालांकि ये सैम पित्रोदा की तरफ से बयान आया था और ना तो वो घोषणा पत्र समिति में है ना किसी के मेंबर है, हाँ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वो चेयरमैन जरूर है। इसी को लेकर बीजेपी ने लगातार उनको घेरा। सैम पित्रोदा ने इसके बाद एक इंटरव्यू और दिया। सैम पित्रोदा ने ये इंटरव्यू जो है द स्टेट्समैन को दिया था और इसमें उन्होंने भारत के बारे में जो बताया, तो
तो उत्तर भारत के लोगों की तुलना उन्होंने गोरों से वो करते हुए नजर आए, पश्चिम में रहने वाले लोगों की तुलना वो अरब से करते हुए नजर आए, अरब के लोगों से करते हुए नजर आए, पूर्व में जो लोग रहते हैं उनकी तुलना उन्होंने चाइनीज से, पूर्वोत्तर के राज्य के जो लोग हैं उन्होंने उनकी तुलना चाइनीज से कर दी, और दक्षिण भारत के लोग जो है अफ्रीकी लोगों से उनकी तुलना वो कर रहे थे। और कह रहे थे कि ये सब अलग अलग है लेकिन उसके बावजूद हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। भारत के बारे में वो कुछ इस तरीके से अपनी बयानी कर रहे थे। हालांकि दिलचस्प यह है कि जैसे ये बयान आया कांग्रेस ने इस बयान से खुद को तुरंत अलग कर दिया। जयराम रमेश जो है कांग्रेस नेता उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा भी कि सैम पित्रोदा की तरफ से भारत की अनेकताओं को लेकर जो उपमाएं दी हैं, भारत अनेक है, अनेक रंग है उसके लेकिन फिर भी एक है, लेकिन अनेकताओं को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, तो कांग्रेस को ये कांग्रेस इसे गलत बताती है, कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण ये इसे बता रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि ये अस्वीकार्य है और कांग्रेस इसका खंडन करती है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार घेरा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस को घेरा जा रहा है, सैम पित्रोदा को घेरा जा रहा है, कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कर्नल निशान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो मैंने आपको सर रोका इसलिए क्योंकि बताना जरूरी था कि इसका खंडन कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस इसे शर्मनाक भी बता रही है, अस्वीकार भी कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण भी बता रही है, और क्या चाहिए बीजेपी को? जहां तक इसका सवाल है कि उन्होंने खंडन कर दिया, अस्वीकार कर दिया, इसके साथ बात आती है कि सैम पित्रोदा जी ने जो भी बयान दिया था उसका खंडन करने के बाद आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस इस्तीफे के बाद भी वो पार्टी में बने हुए हैं। इसका मतलब कांग्रेस पूरी तरह से उनके विरोध में नहीं है, और अगर है तो उनको तत्काल प्रभाव से उनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए। पुनीत जी मैं आपसे माफी चाहूंगा, मुझे जरा दूसरे चैनल पर डिबेट के लिए जाना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कर्नल ईशान हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी भी चूंकि वो पार्टी में तो बने हुए हैं, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है लेकिन पार्टी में बने हुए हैं, और जब तक पार्टी में, क्या वाकई में ये बीजेपी का स्टैंड है कि क्या जब तक वो पार्टी में बने रहेंगे तब तक उनको घेरा जाता रहेगा। हालांकि इंडियन ओवरसीज जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष पद से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने इस्तीफा दिया है तो कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने स्वतः अपना इस्तीफा दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया, तो ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ पहले इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर बयान सामने आया था और उसके बाद सैम पित्रोदा का कुछ ही दिनों के बाद स्टेट्समैन को जो भारत की अनेकताएं और उसमें भारत एक है उसको लेकर जिस तरीके से वो उदाहरण दे रहे हैं वो बड़ा जो है वो चुभने वाला था, किसी भी भारतीय के लिए चुभने वाला था। और इसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने तो आज इतना घेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में ये तक कह दिया कि कोई मुझे गाली दे दे तो शायद मैं सहन कर लेता, लेकिन मेरे देशवासियों की को लेकर इस तरीके की बयानबाजी जो की गई है ये बिल्कुल असहनीय है, या इसको सहन नहीं किया जा सकता। और उन्होंने चूंकि चुनाव चल रहा है, तीन चरण हो चुके हैं और तीन चरण के बाद अब चौथा चरण जो है वो होने वाला है और आगे चार चरण और बाकी हैं, और इन चार चरणों में लगातार आपने देखा होगा कि पहले तीन चरणों में मुद्दे जो हैं वो अलग अलग तरीके से बदलते गए। पहले गारंटी की बात हुई, उसके बाद इनहेरिटेंस टैक्स तक की बात आ गई, उसके बाद ओबीसी और मुस्लिम आरक्षण जो है उसकी बातें होने लगी, अब सैम पित्रोदा का एक बयान फिर से आ जाना, और सैम पित्रोदा का ये बयान जो है भारत की विषमताओं को लेकर जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं वो बयान सामने आना, और उसके बाद बीजेपी के द्वारा उनको घेरना या कांग्रेस पार्टी को घेरना, बिल्कुल नए नए रंग और नए नए मुद्दे इस चुनाव में छाते जा रहे हैं। देखना होगा इस मामले में क्या आगे का रंग देख चौथा है, लोकसभा के अभी चार चरण बाकी हैं और बड़ी बड़ी सीटें भी बाकी हैं जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में एक और चरण बचा है, चौथा चरण जो है उसमें 8 सीटों पर वोटिंग होगी, और क्या वाकई में ये एक मुद्दा है और क्या कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति जो बयान दे रहा है, जो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी घोषणा पत्र समिति में भी वो नहीं है। हालांकि कांग्रेस में एक बड़ी जिम्मेदारी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो है उसकी जिम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं, अध्यक्ष के तौर पर वो निभा रहे थे, और उनकी तरफ से अगर ये बयान आता है तो इसके मायने क्या निकाले जाए,
और बीजेपी यही कह रही है कि यही कांग्रेस की सोच है, इसलिए कार्रवाई भी नहीं की जा रही। और क्यों वो अभी पार्टी में बने हुए हैं, उनको पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए, बीजेपी की तरफ से ये मांग की जा रही। बहरहाल देखना होगा इस पूरे मामले में आगे कैसा सियासी रंग देखने को मिलता है। फिलहाल तो खबर यही है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उस इस्तीफे को पार्टी ने स्वीकार भी कर लिया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।